पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेल्सियस स्केल। जो केल्विन आपको दे रखी है उसको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या है अपना, 293 केल्विन, इसको आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिख रखा है कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। क्यों लिख रखा है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273.15 केल्विन होता है। तो आपको केल्विन दे रखा है बढ़ाकर, तो सेल्सियस कितना होगा, माइनस कर दो उतना हो जाएगा, उतना बढ़ के आ जाएगा। वही तो, एक डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273.15 केल्विन होते हैं। अगर केल्विन बढ़ा तो सेल्सियस भी तो बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा, तो आप उस जितना केल्विन बढ़ा है जितना था माइनस कर दो, जो परसेंटेज आएगी, जो आपका नंबर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो देखो जब आपको सेल्सियस निकालना है इस फॉर्मूले के अंदर से, तो केल्विन में से 273.15 को क्या कर दो, माइनस कर दो, देन आपके पास आंसर आएगा 293 में से, जब आप इसको माइनस करोगे 273.15 को, तो आपके पास आंसर आएगा 19.85 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी यही है कि 470 को केल्विन दे रखा है आपको, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अपन को डिग्री सेल्सियस निकालना है ना कि केल्विन, तो आप डिग्री सेल्सियस को अपनी जगह पर रखो और 273.15 को केल्विन के अंदर से माइनस कर दो, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 296.85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस करने पर। देन सेकंड क्वेश्चन जो है अपना वो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। अब आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर वो दे रखे हैं, लेकिन अब आपको उनको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो आप देखो, जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो बिल्कुल रिलायबल है इसके लिए कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। क्योंकि देखो डिग्री सेल्सियस के अंदर 273.15 केल्विन होते हैं, तो केल्विन आपको मानो डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो केल्विन कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो केल्विन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो केल्विन इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस जो आपको पहला दे रखा है उसको पुट कर दो प्लस 273.15, तो आपके पास आएगा 298.15 केल्विन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 373 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला जो है आप बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो देखो केल्विन इक्वल टू आपको जो दे रखा है 373 को पुट कर दीजिए उसके अंदर, उसको प्लस कर दीजिए केल्विन की जो डिग्री सेल्सियस है उसको, केल्विन को, आपके पास आंसर आएगा 646.15 जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया, ये जो आपने इक्वेशन याद कर ली ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने हमको पता लगी है उसके आपको कह देने रीजंस देने कि क्यों हुई है या फिर क्यों ऐसा हुआ। तो देखो पहला है कि नेपथलीन बॉल डिसअपीयर विद द टाइम विदाउट लिविंग इनटू सॉलिड। बिना सॉलिड का एक पार्टिकल बचे, जो नेपथलीन बॉल है, जो कपूर की गोलियां हैं जो आप अपने कपड़ों में डालते हो, कपड़ों जब आप कपड़े रख देते हो, गर्मी के कपड़े रख दिए सर्दी के अंदर, सर मतलब ऐसे कुछ करते हो, तो कपड़े के अंदर कपड़े के बीच में नेपथलीन बॉल को रखते हैं, तो जो बॉल है वो गैस में चेंज हो जाती है बिना आए हुए लिक्विड स्टेट के, और एक पार्टिकल भी उसका नहीं बचता है। तो क्यों होता है, देखो, द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड ए सब्लिमेशन। देखो सॉलिड का लिक्विड के, वो सॉलिड का गैस के अंदर चेंज हो जाना बिना लिक्विड स्टेट के आए सब्लिमेशन कहलाता है, आप सब जानते हो। नेपथलीन बॉल्स आर स्टोर्ड इन हाई प्रेशर, व्हेन द प्रेशर डिक्रीज बाय 1 एटमॉस्फेयर देन इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस स्टेट। आप जानते हो जैसे ये जो चीज़ें होती है जो डायरेक्ट गैस में चेंज होती है, उनको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है उस बॉल्स के रैपर के अंदर, लेकिन जब आप उसको खोल देते हो तो एटमॉस्फेयर बाहर का प्रेशर कम है, तो जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर से प्रेशर कम होता है वो अपने आप ही गैस में चेंज होना चालू कर देता है। दैट्स वाई द रीजन ऑफ द प्रेशर दैट नेपथलीन बॉल्स चेंज इनटू गैसेस स्टेट। आप कह सकते हो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो प्रेशर है वो रिड्यूस होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, तो इसके कारण जो वो गैसेस स्टेट में आसानी से चेंज हो सकता है। तो इसके अंदर बी वाला क्या है, वी कैन गेट स्मॉल या स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अपन जो परफ्यूम की स्मेल है वो कुछ मीटर की दूरी पर भी अपन सूंघ सकते हैं। क्यों सूंघ सकते हैं, क्योंकि एयर के पास क्या होता है अपना, अपन कहते हैं कि मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो देखो वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग
हैव स्पेस बिटवीन दैम सो दे कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. तो इसलिए वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जो है, घुलने की प्रॉपर्टी जो है शो करती है. वी ऑल्सो नो दैट द एयर हैव हाई प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन सो इट इजिली इंटरमिक्स द पार्टिकल ऑफ एयर. ठीक है. द फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम गेट मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर सो दे ब्लो विद द एयर. इसलिए वो हवा के साथ में बहने लग जाती है. सो वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स. ठीक है. अभी तो इसलिए कुछ मीटर्स दूर भी अपन परफ्यूम की स्मेल को सूंघ सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या है. अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस एंड इंक्रीज ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. तो देखो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके अंदर होता है, शुगर के अंदर, सॉलिड्स के अंदर. उसके बाद में क्या होता है, किसके अंदर होता है वो, एक मिनट, उसके बाद में किसके अंदर होता है सबसे ज्यादा, वाटर के अंदर. देन उसके बाद में किसके होता है, ऑक्सीजन के अंदर. तो आप देख सकते हो शुगर के बाद में वाटर आया, वाटर के बाद में ऑक्सीजन आया. ठीक है. तो ये आपका सही सीक्वेंस है. देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो फिजिकल स्टेट है आप कह सकते हो वो कैसा होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा. तो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है उस पर वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में. तो पहला दे रखा है आपको लिक्विड स्टेट. देखो दे रखा है आपको 25 डिग्री पर लिक्विड स्टेट. देन 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कैसा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा होता है तो वाटर कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में होगा. तो देखो दे रखा है आपको सॉलिड स्टेट. 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होगा, गर्म होने लग जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. तो वाटर क्या हो जाएगा, ऐसे स्टेट में चेंज हो जाएगा. देन सिक्स क्वेश्चन है अपना, गिव द रीजन टू जस्टिफाई, इनको जस्टिफाई करिए, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड. रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड क्यों होता है. तो देखो फर्स्ट केस में वी नो दैट वाटर नीड्स 100 डिग्री सेल्सियस टू गेट इनटू गैसेस स्टेट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन रूम टेम्परेचर पर वही टेम्परेचर कैसा होता है, 40 डिग्री से लेस होता है. ठीक है. इसलिए ही वाटर जो है वो क्या नहीं होता, गैसेस स्टेट में नहीं पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में ही पाया जाता है. सेकेंड केस क्या है, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. आयरन अलमीरा जो है वो सॉलिड की होती है रूम टेम्परेचर पर. तो देखो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो कह सकते हो आप आयरन का जो पिघलने का जो पॉइंट है वो कितना है, वो कितना है, 1811 केल्विन है. लेकिन रूम टेम्परेचर जो है कितने केल्विन होता है, 313.15 केल्विन होता है मैक्सिमम. तो 40 डिग्री से तो कम है ना, या फिर मैक्सिमम 40 डिग्री होता है तो कम है उसके लिए, तो आयरन के पिघलने के लिए. तो इसलिए आयरन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर. सेवंथ क्वेश्चन, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन द वाटर इन द सेम टेम्परेचर. आइस क्यों कूलिंग में इफेक्टिव होती है, तो देखो आइस ठंडी होती है और भारी इन्वायरमेंट से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो हीट ज़्यादा लेती है. तो इसलिए वो क्या होती है, मोर हीटिंग होती है बजाय ए लिक्विड से, क्योंकि लिक्विड क्या होता है पहले ही रूम टेम्परेचर पर थोड़ा बहुत गर्म होता है तो हीट एक्सचेंज नहीं करता ज़्यादा. ठीक है. एट्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवरल बर्न्स बॉइलिंग वाटर ऑन द स्टीम. स्टीम और बॉइलिंग वाटर में से ज़्यादा बर्न्स, जो ज़्यादा गर्मी है वो कौन प्रोड्यूस करेगा. तो देखो स्टीम जो है वो ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करती है बाय ए बॉइलिंग वाटर, क्योंकि बॉइलिंग वाटर क्या है, हमेशा ठंडा होता रहता है, लेकिन स्टीम जो है वो प्रेशर बनाती है और वो हमेशा कह रहती है गर्म. देखो नाउ एज वाटर इन द गैस स्टेट इन स्टीम इट कैन बी फर्दर हीट, और ये गर्म हो सकती है ज़्यादा. इज दिस टेम्परेचर विल इंक्रीज सो स्टीम ऑलवेज हाई टेम्परेचर देन द बॉइलिंग वाटर. हैंस वी कैन से दैट द स्टीम प्रोड्यूसेज मोर सेवर बर्न्स देन द बॉइलिंग वाटर. ठीक है. इसलिए अपन कह सकते हैं जो स्टीम है वो ज़्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करती है, गर्मी प्रोड्यूस करती है बाय ए बॉइलिंग वाटर. तो इसी के साथ में अपने जो क्वेश्चन आंसर है वो खत्म होते हैं. और देखो लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, उधर का है नेम ए बी सी डी, इन्होंने नेम देना है. तो देखो ए जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या कहते हैं अपन, जल्दी बोलो, नहीं बोलना आता. तो देखो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं तो उसको कहते हैं फ्यूजन. ठीक है. और जब लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन. और जब लिक्विड से गैस के अंदर, सॉलिड के अंदर आते हैं तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन. ठीक है. ठीक है. और जब गैस से लिक्विड के अंदर वापस जाते हैं तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन. तो यही आपको जो है इस डायग्राम में दे रखा है. ठीक है. तो यही आपको बताना है. तो ये वाला डायग्राम आप इसके लिए एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हो जो बुक में दिया गया है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे को. ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो देखने को मिलेगी. और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप बताना कि सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, थर्ड के चाहिए, हम आपको वो अप्रूव करेंगे, अप्लाइड करेंगे ऑन अवर चैनल. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.